हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के थ्री में स्वागत है। आज जो हमें हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। आज की क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। जैसे फ्रेंड्स आपको मालूम है, एक बहुत बड़ा विज्ञापन यूपी पुलिस का आपके सामने है। यहाँ से मैं जो है विलोम शब्द लेकर आया हूँ। ये जो है 3 से 4 नंबर का आपको जो है एग्जाम में मिलेगा, और वही मैंने विलोम शब्द लिए हैं जो एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बार बार देखने को मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारे जो फर्स्ट प्रश्न है उद्दत, यानी कि उद्दत का जो है विलोम शब्द क्या होगा? अनुदत। अगला प्रश्न है हमारा उद्घाटन, यानी कि उद्घाटन का जो विलोम शब्द होगा समापन, क्या होगा फ्रेंड्स? समापन। अगला प्रश्न आता है हमारा उन्नति, उन्नति का विलोम शब्द जो आता है अवनति आता है। उत्तरायण, उत्तरायण का जो विलोम शब्द होगा दक्षिणायन होगा, क्या होगा? उत्तरायण का विलोम शब्द दक्षिणायन। उन्मिलन, उन्मिलन का जो विलोम शब्द होता है निमिलन होता है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा ऊषण, ऊषण का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा? ऋण। नेक्स्ट में आता हमारा ऊर्ध्व, यानी कि ऊर्ध्व का विलोम शब्द क्या होगा? निम्न। उपमा, उपमा का विलोम शब्द क्या होता है फ्रेंड्स? अनुपमा, यानी उपमा का विलोम शब्द क्या होता है? अनुपमा। नेक्स्ट में देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट में आता हमारा उग्र, उग्र का जो विलोम शब्द होता है सौम्य होता है फ्रेंड्स। उपाय, उपाय का होता है निरुपाय, यानी कि उपाय का विलोम शब्द क्या होगा? निरुपाय। अगला प्रश्न आता है हमारा उत्कर्ष, यानी कि उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? आपका विलोम शब्द। उर्वर का होता है ऊसर, बहुत आता है फ्रेंड्स ये पेपर में एग्जाम में देखा जाता है। उदार का आता है हमारा कृपण, उदार का कृपण। ईश का जो होता है विलोम शब्द अनीश होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा यानी अति, अति का जो विलोम शब्द होता है अथ होता है। और इष्ट का जो विलोम शब्द होता है अनिष्ट होता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख रहे हैं, अमृत का विलोम शब्द होगा विष, क्या होता है फ्रेंड्स? विष। अल्पायु का विलोम शब्द होता है दीर्घायु, क्या होता है? दीर्घायु। अंधकार का विलोम शब्द होता है प्रकाश। अनुराग का होता है विराग, यानी अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? विराग, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। अनुज, अनुज का होता है अग्रज फ्रेंड्स, बहुत बार ये भी एग्जाम में देखने को मिला है। आकर्षण का होता है विकर्षण। नेक्स्ट में देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट में आता हमारा अधिक का, अधिक का जो विलोम शब्द होगा न्यून होगा। अनाथ का जो विलोम शब्द होता है, अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ, क्या होता है अनाथ का? सनाथ, अनाथ का होता है सनाथ। अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि, क्या होता है? अनावृष्टि। आदर्श का होता है यथार्थ, यानी कि आदर्श का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड्स? यथार्थ। नेक्स्ट में देखते हैं, आहार का विलोम शब्द होता है निराहार। अविभाव, यानी कि अविभाव का मतलब होगा त्रोभाव, इसका जो विलोम शब्द होता है त्रोभाव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, आमिष का होगा निरामिष, यानी निरामिष जो होता है अमीष का विलोम शब्द है। अभिज्ञ, यानी कि अभिज्ञ, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, बहुत आता है पेपर में एग्जाम में, बार बार ये देखने को मिला है। चलिए फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट है ये वाला, यहाँ से ये ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा अर्ध का होता है शुष्क, यानी कि अर्ध का जो क्या होगा? शुष्क। अमृत का आता है हमारा विष, अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? विष। अगम का होता है सुगम। अभिमान का विलोम शब्द होता है हमारा नर्मता, यानी कि अभिमान का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड्स? नर्मता। आलस्य का होता है स्फूर्ति। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? वैकल्पिक, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है अनिवार्य का विलोम शब्द होता है वैकल्पिक। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अनुकूल का होगा प्रतिकूल, अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल। अनुग्रह, अनुग्रह का होता है विग्रह, क्या होता है अनुग्रह का? विग्रह। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। आदर, आदर का विलोम शब्द होता है अनादर, क्या होता है फ्रेंड्स? आदर का अनादर। अस्त का होता है उदय, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है अस्त का उदय। अमर, अमर का होता है मर्त्य, यानी कि अमर का क्या होगा? मर्त्य। आधुनिक का होता है प्राचीन फ्रेंड्स, यानी कि आधुनिक का जो है विलोम शब्द प्राचीन होता है। आगामी का आता है विगत। अमावस्या का होता है पूर्णिमा, अमावस्या का क्या होता है फ्रेंड्स? पूर्णिमा। आकीर्ण का होगा विकीर्ण, यहां से ये भी याद रखना है, आकीर्ण का होगा विकीर्ण। नेक्स्ट में देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट में आता हमारा यानी कि आहन, आहन का विलोम शब्द होता है विसर्जन, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्नि, अग्नि का विलोम शब्द होता है अंबर, अग्नि का विलोम शब्द क्या होता है? अंबर। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, यानी अनाहूत, अनाहूत का विलोम शब्द होता है आहूत, अनाहूत का क्या होता है? आहूत। अग, अग का विलोम शब्द होता है बिग, क्या होता है फ्रेंड्स? बिग। अपेक्षा का होता है उपेक्षा, अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? उपेक्षा। तो फ्रेंड्स ये थे विलोम शब्द, यानी 50 विलोम शब्द लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर का जरूर मिलेगा। तो कैसी लगी वीडियो? वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।